वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोटल सॉल्यूशन मिला। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ एक एक्वेरियम एलईडी लाइट उसके ड्राइवर। दोस्तों देखिए ये पूरा फट गया है, इसका जो कैपेसिटर है फट के उसका इलेक्ट्रोलाइट निकल गया है बाहर। तो इसका पीसीबी में और एक चीज़ हमको दिख रहा है, पीसीबी के जो पिछले हिस्से में थोड़ा बांध भी हमको दिख रहा है, जल गया है बोर्ड। दोस्तों उधर एक रेजिस्टेंस भी था लेकिन उसका क्या वैल्यू था वो पता नहीं। वो देखिए जो है माइक्रो रेजिस्टेंस है, तो इसको हम अभी रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए इधर जो जहाँ पे मैं शोल्डर को पिघल रहा हूँ वहीं पे था वो रेजिस्टेंस, तो उसको तो हम बाद में लगाएंगे। पहले बोर्ड को थोड़ा अच्छी तरह से साफ करना पड़ेगा दोस्तों, और साफ करने के बाद इसका जो कैपेसिटर है दोस्तों देखिए पूरा फट गया इसका कंडेंसर, तो इसको हम लगाएंगे। देखिए जो CFL वाल्व होता है दोस्तों उसमें मिल जाएगा आप लोगों को, और 250 वोल्ट का 10 माइक्रोफेराड का जो कंडेंसर है दोस्तों वही हम लगाएंगे, क्योंकि इधर पहले जो कैपेसिटर जो कंडेंसर रहता था उसका वैल्यू दोस्तों लगभग 100 वोल्ट और 10 माइक्रोफेराड का होता है। क्योंकि 100 वोल्ट का कंडेंसर ब्लास्ट हो गया दोस्तों, तो अभी हम इधर 100 वोल्ट का नहीं लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है थोड़ा हाई वोल्टेज आ रहा है, तो इसी कारण इसको हम 250 वोल्ट लगाएंगे दोस्तों और 10 माइक्रोफेराड का कंडेंसर, क्योंकि अभी ये वाला कंडेंसर दोस्तों फूटेगा नहीं और ब्लास्ट भी नहीं होगा, तो इसको हम लगा देते हैं। और अच्छे तरह से इसको हम लगाने के बाद इसको शोल्डर करेंगे और इसको थोड़ा साफ भी करेंगे, क्योंकि इधर थोड़ा मॉइस्चर रहने से फिर से वही प्रॉब्लम हो सकता है शॉर्ट सर्किट के कारण दोस्तों ये बोर्ड जो है ख़राब हो सकता है। और ट्वीजर के मदद से हम घिस के बोर्ड को थोड़ा साफ कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर मेरा चैनल का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा सबसे पहले आप लोगों के पास ही वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचेगा। और दोस्तों मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके आप ढेर सारा वीडियो है उसका लाभ उठा सकते हो, क्योंकि उसमें तरह तरह का वीडियो डाला हुआ है और कुछ ना कुछ ज़रूर आप लोगों को सीखने को लिए मिलेगा दोस्तों। और अभी इसको हम थोड़ा और भी साफ करेंगे, जो फॉयल रहता है उसके बीच बीच में सल्फर जम जाता है, और क्योंकि ब्लास्ट हो गया था कंडेंसर उसका इलेक्ट्रोलाइट भी उधर चिपका हुआ है दोस्तों, तो इसको इसी कारण हम ICI थिनर से क्लीन कर लेते। ICI थिनर दोस्तों बहुत अच्छा है, उसमें बारीकी से साफ़ हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, आप लोग यूज़ करके देख सकते हो दोस्तों। तो देखिए लगभग साफ़ हो गया। अभी हमको एक काम करना है और जो रेजिस्टेंस था उसको लगाना है, और बिना रेजिस्टेंस का ये जो LED लाइट है जल्दी ख़राब हो जाएगा। वो रेजिस्टेंस दोस्तों इधर लगाना है, ये जो रेजिस्टेंस हम लगाएंगे 33 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाएंगे दोस्तों। तो ये लगाने से क्या होगा, जो करंट दोस्तों LED में आता है उसका अगर जो पल्स थोड़ा कम ज़्यादा होने से LED फूक जाने की चांस रहता है दोस्तों, उसका जो करंट इधर से आता है तो उसको ही कंट्रोल करेगा ये वाला रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रहने से उसको स्मूथ DC जो है वही आने में सहायता करेगा दोस्तों, नहीं तो थोड़ा पल्स ज़्यादा आने से वो लाइट फूक सकता है। तो इसी कारण क्योंकि माइक्रो रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं है दोस्तों, कोई बात नहीं, आप ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको लगा सकते हो उधर शोल्डर करके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इधर 1 वाट रेजिस्टेंस लगाने से बहुत अच्छा होता दोस्तों, तो अभी मेरे पास 1 वाट नहीं है तो इसीलिए मैं इसको लगा रहा हूँ दोस्तों ये वाला रेजिस्टेंस को।
ये भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन 1 वाट लगाने से वो ज़्यादा दिन लास्टिंग करेगा दोस्तों। 1 वाट नहीं मिलने से हाफ वाट भी लगा सकते हो। तो देखिए बिल्कुल रेडी हो गया, अभी इसको हम सीरीज में कनेक्शन देंगे दोस्तों। ये वाला लाइट है, देखिए सीरीज में कनेक्शन देके देखेंगे दोस्तों ये जलता है कि नहीं जलता है। तो देखिए सीरीज बल्ब जल रहा है, तो अभी देखिए इसमें कनेक्शन दिया हूँ, लाइट अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है दोस्तों। तो फिर से हम इसको जला के देखेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हो और उस वीडियो से कुछ सीख सकते हो तो हमको बहुत खुशी होगी दोस्तों। अगर कुछ आप लोगों को जानना है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं।